हमारे तो नगर परिषद के चेयरमैन के प्रत्याशी रही और बहुत ही सम्मान के यज्ञ अभय जी और मेरे सामने बैठे हुए सभी आदरणीय हैं, सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज इस माइक पर हूँ, इसके लिए मैं मेरी जिला अध्यक्ष गुरु जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये मौका दिया। मेरे सामने बैठे पार्टी की रीढ़ की हड्डी कार्यकर्ता साथियों, सर्वप्रथम तो मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा सर, आप हरियाणा में दौरा कर रहे हैं 26 तारीख के लिए, तो किस प्रकार का रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? आपने अभी देखी बीमारी की मीटिंग, हॉल छोटा पड़ गया, कार्यकर्ताओं की संख्या ज़्यादा, इतनी गर्मी, इतनी उमस के बावजूद, काम के बावजूद हजारों हजारों कार्यकर्ता मीटिंग में आ रहे हैं। अब इस नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव के बाद शहर के लोगों का रुझान जो है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ बढ़ा है। हम जिला परिषद का चुनाव जो है अब आज हमने फिर भिवाणी के कार्यकर्ताओं के साथ राय दिली और फैसला लिया सिंपल में लड़े। अब तक 16 जिलों की मीटिंग होती है, सब में सब समय ये फैसला हुआ है और उसके साथ साथ हम अपने संगठन को और बड़ा बनाने के लिए उसकी जिम्मेदारी भी पार्टी के लोगों की लड़ाई है। आज प्रदेश में दिवालिया पिट चुका है सरकार का, जिस तरह से कानून व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ाई गई, जिस तरह आज एक DSP को खनन माफिया के जो लोग हैं जिन्होंने उसको कुचल के मारने का काम किया, उससे साबित होता है कि जितने भी बदमाश किस्म के लोग हैं या जो कोई चोरी और डकैती का काम कर रहे, जो कोई माफिया बने, वो टोटल के टोटल लोग जो है सरकार की देन है। सरकार की वजह से आज इस प्रदेश के इस किस्म के हालात हैं। आज MLAs को अगर थ्रेट दी जाती है तो वो भी ये मान के चल, वहीं सरकारी संरक्षण में बड़े बड़े गुंडे जो हुए वो लोग आज दे रहे हैं। अगर समय रहते नशे पे सरकार जो है नशाखोरी को ख़त्म कर लेती, सख्ती कर लेती, तो आज इस किस्म के हालात नहीं। सर जाएगा और एक सरकारी नौकरी दी जाए, क्या लगता है इसे लगाम लगता है? इंसान की मौत की कीमत आकी जाती है। मुख्यमंत्री कहता है कि 1 करोड़ रुपए देंगे, मुख्यमंत्री उस माँ का लाल कहाँ से ला करके दे देगा जिसने केवल तेरे जैसे लोगों की छत्र छाया में, तेरी सरकार की छत्र छाया में जो लोग आज माफिया बने हुए, जो लोगों की जान ले रहे, जो लोगों को धमकियाँ दे रहे, क्या वो सब चीज़ें उन सब चीज़ों की पूर्ति करोगे? सर जो मुख्यमंत्री, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ, उसको ये कहना चाहिए था कि जिस किसी ने भी इस तरह के लोगों को मेरी सरकार में संरक्षण दिया मैं उनको नहीं बख्शूंगा। शिक्षा को भी GST में ला दिया गया है सर, क्या कहना चाहेंगे इसको? शिक्षा को GST में के दायरे में ला दिया गया है, शिक्षा को कौन नहीं आज? आप लोग बचे हुए हो, आप भी GST में आओ। सर राज्यसभा का तो चुनाव हुआ था, उस पर किरण चौधरी पर सवाल उठे कि कांग्रेस किरण चौधरी ने ऐसा किया होगा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक एक करके कांग्रेस में से सबकी छंटनी कर दी।